और आज एक बदखुमाश जिसका मैं तो समझता इस्लाम से कोई उसका ताल्लुक भी है या नहीं, एक गाना बना दिया जिसका दीवाने मैं और आप सब हो गए, हमारे नौजवान हो गए। मियां भाई किसको कहा जाता है पता भी है? कुछ कुछ मालूम है मियां भाई किसको कहा जाता है? तस्वुर करो कभी, मियां भाई उस शेख को कहा जाता था उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को मियां भाई कहा गया था, जिसने कभी मौसीकी पर अपनी कमर को हिलाया नहीं था, जिसकी तलवार जब नाम से निकल जाती तो सूरज को भी पसीना आ जाया करता था, मियां भाई उसको कहा गया है। वो मियां भाई था उमर बिन खत्ताब, जमीन पर चलता तो दुश्मन अपने घुटनों को टेक दिया करता था, वो था मियां भाई। मियां भाई को अगर देखना हो तो अबू उबैदा बिन जर्रा को देखना चाहिए, जिसने मैदान बदर में वो कारनामों को अंजाम दिया, जिसने इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया। मियां भाई तो वो था जो ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने वाला था और ये कह रहा है कि मैं मियां भाई हूं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और ये तमाम की तमाम कौम उसकी दीवानी होने चली गई। उसकी इस हरकत पर तो लानत भेजना चाहिए था, मुखालिफत होना चाहिए था कि जलील इंसान तो कौम को बिगाड़ने वाला है, और कौम को बिगाड़ना शैतान का सेवा है, मुसलमान का सेवा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो कोई अच्छा तरीका इस्लाम के दायरे में रायज करेगा और वह अच्छा तरीका इस्लाम की पसंद का होगा और लोग उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उसे कयामत तक नेकियां देता रहेगा, और जो कोई बुरा तरीका इख्तियार करेगा, बुराई को पनपाएगा, बुराई को लेकर के चलेगा, बुराई के तरीकों को जन्म देगा और लोग उसके दीवाने हो जाएंगे तो अल्लाह उसे भी जहन्नुम में डालेगा और उसके जो साथ में चलने वाले उनको भी अल्लाह जहन्नुम से भर देगा। आज क्या मामला है मेरा और आपका? क्या कुरान की सूरतें 10 से 15 हुई हमारी? क्या नबी की पूरी सीरत याद है हमको? क्या अहदीस का खुलासा मालूम है हमको? क्या नबी की जिंदगी मालूम है हमको? इस्लाम किसको कहा जाता है कभी जानने की कोशिश की मैंने? नबी की खुशी का मौका कौन सा था? नबी गम में कब आ गए थे कभी मालूम है मुझको? नहीं मालूम अजीजाने मोहतरम। बस एक दीवानगी की जिंदगी है जो मैं लेकर के आज चल रहा हूं, इससे बचना है और मुझे बचाना भी है अजीजाने मोहतरम।